हाय नमस्कार, मैं हूँ विशाल धक्कर और मैं यहाँ आज आमंत्रित हूँ इस एनिम डे अवार्ड्स इनिशिएटेड बाय एनिमेशन गैलेक्सी जो कि मुकेश दुबे जी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हादसे सिर्फ आम इंसानों के साथ होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हम सभी ने देख लिया कि इतना बड़ा भारत का सेलिब्रिटी, बॉलीवुड में जिसकी अलग पहचान थी, पूरी दुनिया में ग्लोबल स्तर पर जिसको लोग जानते थे, इतना बड़ा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, उस सुशांत सिंह राजपूत के मौत का रहस्य आज तक पुलिस, ईडी, एनसीबी, सीबीआई, ये सब के सब मिलकर इतनी सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां सुलझा ही नहीं सकी और ये अपने आप में बहुत बड़ी हार है। ठीक ऐसा ही एक हादसा बॉलीवुड के ही एक कलाकार थे जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में काम किया था, जिनका नाम था विशाल ठक्कर। वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो गई है या उन्हें कहीं छुपाकर रखा गया है या वो खुद छुपकर बैठे हुए हैं, इस बात की कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस जमा ही नहीं कर पाई है, जुटा ही नहीं सकी। दोस्तों, विशाल ठक्कर से मेरी खुद की मुलाकात साल 2014 में हुई थी जब मैंने अपना एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल रखा हुआ था मुंबई में। उस वक्त विशाल ठक्कर एक स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे इवेंट में आए हुए थे। विशाल ठक्कर को देखकर जरा सा भी नहीं लगता था कि इस इंसान की जिंदगी में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विशाल ठक्कर के अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो हमारे इवेंट के दौरान पर हमने शूट किया हुआ था। हाय नमस्कार, मैं हूं विशाल ठक्कर और मैं यहां आज आमंत्रित हूं इस एनिम डे अवार्ड्स इनिशिएटेड बाय एनिमेशन गैलेक्सी जो कि मुकेश दुबे जी। ये तीनों का एक स्वप्न था, ड्रीम था। किसी ने पूछा कि क्या है इसमें, क्या मतलब क्या है, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की हर्षवर्धन ने कि ये ब्लॉक्स है जो कि हमारे यूथ को ब्लॉक करता है। जब कोई भी नई चीज़ जैसे हॉकी या एनिमेशन, हम एक्टर्स को बहुत इज्जत मिलती है पर एनिमेटर्स को जो कि दिन रात 365 फ्रेम्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आई डोंट इवन नो द डिटेल्स एंड द प्रोड्यूस। ये सूर्योदय सूर्य जी बाहर आते हैं, मतलब इट्स अ न्यू होप, इट शुड गेट एनलाइटेंड एंड पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस विद इट। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास है नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट है भारत स्वच्छ भारत के लिए, जो इनिशिएटिव एनिमेशन क्लास के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, जो आजकल की ज़माने में यू नो कार्टून इज़ बैक, यू नो हर चीज़ में एनिमेशन चाहिए, आई एम मैन रॉक्स, तो एनिमेशन इज़ द बेसिक, लाइक हीरोइन होना हो एनिमेशन होना बहुत ज़रूरी है फिल्म। सो दिस इज़ व्हाट द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड एंड हैज़ बीन चेंजिंग। सो दिस इज़ वन मोर इनिशिएटिव कॉल्ड एनिम डे अवार्ड्स, इट्स लाइक एवरी अदर अवार्ड्स एंड दिस इज स्टार्टेड एंड इट्स द फर्स्ट डे, सो विश इट ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल माई लक टू यू गाइस। मच एंड एनिम डे अवार्ड्स विक्ट्री, एक नंबर दिस है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि साल 2015 में विशाल ठक्कर के ऊपर उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ने रेप का इल्जाम लगा दिया था, जिसके बाद विशाल ठक्कर डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी मां आज भी यही कहती है कि काश उस दिन मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने चली गई होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। दरअसल उस दिन तारीख थी 31 दिसंबर 2015। उस दिन विशाल ठक्कर ने अपनी माँ से 500 रुपए मांगे और कहा कि मैं स्टार वॉर्स मूवी देखने जा रहा हूँ, और अपनी माँ को भी कहा कि माँ क्या मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी, और विशाल ठक्कर की माँ ने ना कह दिया। विशाल ठक्कर की माँ फिल्म देखने के लिए उनके साथ नहीं गई। फिर रात 1 बजे विशाल ठक्कर के मोबाइल से उनके पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं न्यू ईयर की पार्टी करने जा रहा हूँ, मेरी मुलाकात आपसे अगले दिन होगी। यहाँ तक कि विशाल ने अपने दोस्तों को फेसबुक पर न्यू ईयर की बधाई भी दी थी, शुभकामनाएं दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि होने को कुछ और ही मंजूर था। विशाल ठक्कर का मोबाइल दूसरे दिन बंद हो गया। पुलिस की माने तो विशाल ठक्कर को आखिरी बार 1 जनवरी के दिन सुबह 11:45 पर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ घोड़बंदर रोड पर देखा गया था। जब पुलिस ने उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो उनकी गर्लफ्रेंड ने ये कहा कि विशाल ने मुझे कहा कि मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूं और वो रिक्शे में बैठकर निकल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विशाल ठक्कर अपनी माँ से ये कहकर घर से निकलते हैं कि वो फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या मेरे साथ चलोगी, माँ इनकार कर देती है। रात को 1 बजे विशाल ठक्कर के मोबाइल से उनके पिता को एक मैसेज आता है कि मैं न्यू ईयर की पार्टी करने जा रहा हूँ। दूसरे दिन विशाल ठक्कर 11:45 पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घोड़बंदर रोड पर देखे जाते हैं, उसके बाद वो शूटिंग पर चले जाते हैं। तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिस इंसान ने न्यू ईयर की पार्टी की हो दूसरे दिन वो आराम करेगा
वो इस होश में नहीं रहेगा कि वो कहीं और जा सके, और उस दिन मेरे ख्याल से शायद कोई शूट भी नहीं होती है। तो विशाल ठक्कर आखिर कहां चले गए? दोस्तों, विशाल का गायब होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जो रहस्य है, वो गुत्थी है, वो सुलझ नहीं पा रही है, ठीक उसी तरह से आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन विशाल ठक्कर के गायब होने की एक छोटी सी खबर, एक छोटा सा सुराग भी पुलिस को नहीं मिल सका है। उनकी माँ आज भी इस इंतजार में है कि विशाल ठक्कर की कुछ तो खबर मिले, एक छोटी सी आहट तो मिले कि मेरा विशाल कहाँ पर है। दोस्तों, विशाल इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ चेहरा था, बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, मुन्ना भाई, MBBS, टैंगो चार्ली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में स्पेशल अपीयरेंस भी हुआ था। तो विशाल इंडस्ट्री का उभरता हुआ चेहरा था और हम सभी ने देखा था, मेरे खुद के इवेंट में विशाल से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन होरी को कौन टाल सकता है। विशाल के साथ भी कुछ गलत हुआ, और क्या गलत हुआ ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं कि विशाल के साथ आखिर क्या हुआ होगा। क्या विशाल और सुशांत सिंह राजपूत की जो गुत्थी है वो कभी सुलझ पाएगी? आपके जो भी जवाब है कमेंट करके जरूर दीजिए। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।